हाय फ्रेंड्स, आप भी एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट या एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट को यूज करते हैं और उस अकाउंट को मैनेज करने के लिए एक्सिस मोबाइल ऐप्स को यूज करते होंगे। किसी भी कारण अपना जो एक्सिस मोबाइल ऐप्स लॉक हो चुका है तो उसको कैसे अनलॉक करना है, हर एक डिटेल्स इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। और आप एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से, तो इस वीडियो का देख करके आप एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट घर बैठे ओपन कर सकते हैं। और उस अकाउंट का जितना सारे बेनिफिट है अपने मोबाइल ऐप्स के मदद से उसको एक्टिव या इनेबल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न कर सकते हैं। तो मेरा जो फ्रेंड है उसको पहले से ही एक्सिस मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन उसका एक्सिस बैंक की तरफ से नया ATM कार्ड मिला हुआ है। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिए है। तो उसके बाद हमने एक्सिस मोबाइल ऐप्स में लॉगिन करके उसके ATM को एक्टिव करने के लिए गए हैं। उसका मोबाइल के अंदर जो एक्सिस मोबाइल ऐप्स इंस्टॉल है सिंपली उसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद उसका जो MPIN है उस MPIN को सिंपली यहाँ पे डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे एक्सिस मोबाइल ऐप्स के अंदर लॉगिन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे MPIN फिलअप कर लिया है। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट लॉक। हम एक से दो बार या बहुत बार ट्राई किए फिर भी वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, योर एक्सिस मोबाइल अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड फॉर 24 आवर्स ड्यू टू 5 इनकरेक्ट पिन। तो यहाँ पे बार बार गलत MPIN डालने की वजह से यहाँ पे जो मोबाइल ऐप से यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो इसको अनब्लॉक करने के लिए सिंपली यहाँ पे जो अनब्लॉक करने का ऑप्शन शो हो रहा है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, उसके बाद इस तरीके से 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड की यहाँ पे आपका जो डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और ATM PIN फिलअप करना है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, user ID और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद OTP, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो OTP के थ्रू आप यहाँ पे इजीली नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिया गया है, सबसे आसान जो ऑप्शन है डेबिट कार्ड, तो सिंपली यहाँ पे अपना जो डेबिट कार्ड का 16-डिजिट नंबर है वो यहाँ पे फिलअप कर लेना है। कार्ड एक्सपायरी डेट फिलअप करना है और ATM PIN फिलअप करना है। और आपको नया ATM कार्ड मिला हुआ है तो सिंपली एक्सिस बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वहाँ पर कॉल करके आप अपना IVR के थ्रू ATM PIN बना सकते हैं। ATM PIN बनाने के बाद दोबारा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सारे डिटेल्स को फिलअप कर लेना है। तो सारे डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप कर लिए है। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ जो कंटिन्यू वाले ऑप्शन है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, योर अकाउंट इज लॉक्ड इस तरीके से शो होगा। उसके बाद प्लीज कंफर्म योर एक्सिस बैंक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। तो एक्सिस बैंक के अंदर जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उससे पहले यहाँ पे आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है, तो आई लव माई इंडिया जो इंडिया का कंट्री कोड है 91 सिंपली उसको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्सिस बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर के ऊपर यहाँ पे 8-डिजिट एक्टिवेशन कोड देखने को मिल जाएगा और इसमें जो वैलिड रहेगा 2 मिनट। तो सिंपली यहाँ पे 2 मिनट के अंदर अपना जो 8-डिजिट एक्टिवेशन कोड सिंपली यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ जो वेरीफाई वाले ऑप्शन है सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो नया 6-डिजिट MPIN है उसको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद फिर से वही MPIN को यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है, लेकिन मेरा केस में हमने जिस MPIN को फिलअप किए है उसको ऑलरेडी यहाँ पे हमने यूज करके रखे इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। फिर से यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से नया अलग तरीके से यहाँ पे जो MPIN है उसको हमने यहाँ पे फिलअप कर दिए। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, यू हैव ए सक्सेसफुली अनलॉक्ड योर एक्सिस बैंक मोबाइल अकाउंट। तो अनलॉक सक्सेसफुल होने के बाद नीचे की तरफ ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो फिर से आप लॉगिंग पेज के अंदर आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे आपने जो नया MPIN बनाया है उसी MPIN को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली एक्सिस मोबाइल ऐप्स के अंदर आप लॉगिन हो जाएंगे और एक्सिस मोबाइल ऐप्स के अंदर जितना सारे काम है सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं।
और आप भी एक्सिस बैंक का एक डिजिटल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।